स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 की पोएट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है ए साम ऑफ लाइफ, को एक्सप्लेन करूंगा। और इसके राइटर हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ए साम ऑफ लाइफ बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करें, और आप चैनल पे किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं एजुकेशन से संबंधित वह कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। इन पंक्तियों में कवि ने जीवन के बारे में बताया है कि जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या है, यह जानने का प्रयास किया है, या जीवन क्या है इस पर एक प्रश्न उठाया है। लाइफ इज रियल, कवि के अनुसार लाइफ रियल है, वास्तविक है, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव का मतलब तो वैसे कब्र होता है, पर यहाँ ग्रेव का मतलब है मृत्यु। तो जीवन का जो लक्ष्य है वो मृत्यु नहीं है, मतलब हमने जन्म लिया है तो मृत्यु तो हमें मिलनी ही है, लेकिन मृत्यु ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है कि हम दुनिया में आए, जीवन मिला तो बस बैठकर मृत्यु का इंतजार करें। कवि का कहना है कि जीवन सत्य है, जीवन वास्तविक है, और जीवन का जो लक्ष्य है वह मृत्यु को पाना नहीं है। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न नेस्ट। डस्ट मतलब धूल और दू मतलब होता है तुम धूल हो और फिर धूल में मिल जाओगे। हम मानते हैं कि हमारा जो शरीर है वह पंच तत्वों से मिलकर बना है, और शरीर जब नष्ट होता है तो फिर से पंच तत्वों में मिल जाता है। तो कवि ने इसको कहा है कि हमारा जो शरीर है वह धूल से बना है और फिर धूल में ही मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सूल, यह बात अभी कवि ने कहा कि तुम धूल हो और धूल में ही मिल जाओगे, यह बात शरीर के लिए कही गई है, क्योंकि शरीर नश्वर होता है और मिट्टी से बना हुआ शरीर फिर मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मा नष्ट हो जाएगी। तो जीवन को कभी वास्तविक मानते हैं और सच्चा मानते हैं, और जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं है, और साथ ही साथ इस बात को भी स्पष्ट कर दे रहे हैं जो कहा जाता है कि तुम धूल हो और धूल में ही मिल जाओगे। तो यह बात शरीर के लिए सही है कि शरीर मिट्टी का बना हुआ है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा मिट्टी से ऊपर है और यह नष्ट नहीं होनी है। नॉट एंजॉयमेंट नॉट सॉरो इज आवर डिस्टेंड इन आ वे, बट टू एक्ट दैट ईच टू मारो फाइंड अस फर्दर देन टूडे। जीवन में
इंजॉयमेंट या आनंद, सारो मतलब दुख, इज आवर डिस्टाइंड इन आर वे, जैसा हमारे नसीब में लिखा होता है। उसको भोगना ही जीवन का लक्ष्य नहीं। कभी कहता है कि जैसा हमारे नसीब में लिखा हो, आनंद या दुख, सिर्फ उसको भोगना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर दैन टूडे, बल्कि जीवन का उद्देश्य कुछ ऐसा है कि हम प्रतिदिन कुछ ऐसा करें कि हमारा जो कल है, आने वाला कल, वह आज से बेहतर हो। तो बेहतर का क्या मतलब है? जब सुख और दुख से इतर जीवन को कभी बता रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा शरीर तो नष्ट होगा, पर हमारी आत्मा जो चिरंजीवी है कभी नष्ट नहीं होती, और यह आत्मा परमात्मा से अलग है जब तक शरीर में है। तो हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए अपने नसीब के सुख और दुख को न भोगते हुए, न महसूस करते हुए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अगले दिन उस परम शक्ति के थोड़ा और करीब आ जाएं। आज हम ईश्वर से जितना दूर हैं, आज कुछ ऐसा करें कि हम अगले दिन तक ईश्वर के, उस परम शक्ति के और करीब आ जाए। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विवोयूस ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। अब ये तीसरी स्टंजा मैंने भी पढ़ा, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विस्तृत युद्ध का मैदान। कवि ने कहा है कि यह दुनिया या संसार बहुत विस्तृत युद्ध का मैदान है, और इस मैदान में, इस युद्ध के मैदान में, इन द व्यूवेस ऑफ लाइफ, यह जो हमारा जीवन है, यह एक अस्थाई पड़ाव है। अस्थाई पड़ाव का मतलब है कि इस समय हम जिस भी शरीर में हैं वह अस्थाई है, वह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा और फिर हम कोई दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे, और इस संसार रूपी युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए आगे बढ़ेंगे। बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी नॉट लाइक डम, डम मतलब गूंगा, तो गूंगा मत बनो, मतलब ऐसा न बनो कि कोई तुम्हारे साथ अत्याचार करे, तुम्हारा हक अधिकार छीने, तो चुप रहो। ड्रिवन कैटल, गूंगा मत बनो, और जैसे चौपायों को हक दिया जाता है, गाय भैंस भेड़ बकरी को, तो गाय भैंस भेड़ बकरी मत बनो कि कोई जिधर चाहे हक दे। अपने होने का एहसास कराओ। बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, और यह जो संघर्ष है, यह जो युद्ध भूमि में संघर्ष चल रहा है, इसमें एक वीर बनो, हीरो बनो, न कि गूंगा बनो या चौपायों की तरह हाक दिए जाओ, ऐसा कवि का उपदेश है। अब हम आते हैं चौथी स्टंजा में, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with the heart of any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait,
लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, आओ खड़े हो जाओ और शुरू हो जाओ, आओ खड़े हो जाओ या करना शुरू करो, विथ द हार्ट ऑफ एनी फैक्ट, विथ द हार्ट से मतलब है मन से, मतलब आओ खड़े हो जाओ और शुरू हो जाओ और मन से करो, दिल से करो, चाहे किस्मत में कुछ भी हो, आप यानी किस्मत में कुछ भी हो पर अपना कर्म मन से करो। स्टील अचीविंग स्टील परसुइंग, और कर्म करने के दौरान कुछ प्राप्त होता है तो उसके आगे भी कर्म करना जारी रखो। कर्म करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही, अच्छा मिले खराब मिले दूसरी बात है, पर फल जैसा भी हो, अच्छा हो या खराब हो, तो उसके बाद भी करना जारी रखो। ये नहीं कि अब बहुत पा लिया अब नहीं, या पाने के लिए करना है ऐसा भी कभी नहीं करता। करो, कर्म है इसलिए करना है, और जो मिलना है या जो नहीं मिलना है या जो भी परिणाम आना है उसको देखो और उसके बाद भी कर्म करते रहो। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रम करना कर्म करना सीखो, और टू वेट का मतलब है इंतज़ार करना, लेकिन यहाँ पे अभिप्राय है धैर्य रखने का, कि कर्म करो और धैर्य रखो, चाहे उस कर्म का परिणाम सुख देने वाला हो या दुख देने वाला हो, उसमें विचलित न हो, एक उपलब्धि मिले चाहे वो सकारात्मक उपलब्धि हो या नकारात्मक उपलब्धि हो, तो उसके बाद अगले कर्म में लग जाओ जैसी स्थिति हो उसके अनुसार।